हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पता ही है कि शबरात आ गई है, रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह, तो शबरात मुबारक हो, एडवांस में रमज़ान मुबारक हो आप सबको। तो आज हम शबरात स्पेशल डिश बना रहे हैं, चने का हलवा। सब लोग बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, लेकिन ये मेरी स्टाइल है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इन्ग्रीडियंट्स देख लें। ये है चने की दाल आधा किलो, ये हमारे पास दूध है फुल फैट आधा लीटर, ये हमारे पास नारियल का लच्छा है, ये हमारे पास इलायची का पाउडर है, ये हमारे पास 300 ग्राम चीनी है, और ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है, ये हमारे पास आधा किलो घी है। देखते हैं कितना घी इसमें जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये हमने 3 घंटा पहले दाल भिगो दी थी, ये देखिए हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसको सबसे पहले बॉयल कर लेंगे। हम इसको इसमें डाल रहे हैं कढ़ाई में अपनी। और इसमें हम डाल देंगे दूध। और दूध डालने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। इसी दूध में ये दाल हमारी गल जाएगी। ये दाल हमारी गलती है, फिर हम आपको आगे का प्रोसीजर दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, दूध हमारा इसमें से सूख चुका हुआ है और दाल भी हमारी गल गई है, ये देखिए। बस इसका हम इसके दूध जितना भी है इसके अंदर, इसको हम सुखा देंगे, इसी में जज्ब कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको हम ठंडा करेंगे। दूध इसी के अंदर एकदम सुखा देंगे। अगर दूध थोड़ा सा भी सलसला रहेगा, पिचपिचा रहेगा, तो दाल हमारी गीली हो जाएगी। बस इसको हम दूध सुखा कर फिर हम दाल ठंडी कर लेंगे। देखिए दूध एकदम इसमें जज्ब हो चुका है, सूख चुका है। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लेट में निकाल के फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए दाल हमारी। ये देखिए गाइस, दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको पीस लेंगे क्या, दरबा पीसना है हमको, दरदरा। तो देखिए गाइस, अब इसको जो है दरबा पीस लेंगे। अभी थोड़ा सा और चलेगी ये, एक बार इसको ऊपर नीचे कर देंगे और फिर एक बार चला लेंगे। दाल की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा इनको चलने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए गाइस, ये हमारी दाल दरबे पिस चुकी है। अब हम इसमें जा रहे हैं इसको भूनने के लिए। थोड़ा सा घी डालेंगे कढ़ाई में। और इनको तो आप जानते ही हैं, ये है इलायची और ये है लौंग, इन दोनों बहनों को तो आप जानते हैं। अब इनको डाल देते हैं तड़के में। अब जब ये थोड़ा चटक जाएगी फिर हम दाल इसमें डाल के भून लेंगे। ये देखिए इलायची हमारी फूल गई है, लौंग चटक गई है, फूल गई है लौंग भी हमारी। बस अब हम इसमें दाल डाल देंगे। और इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन खत्म ना हो जाए। दाल हमारी भून चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे।
डाल हमारी अच्छे से भून गई, सूंधी खुशबू है। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं प्लेट में। घी, ये देखिए इतना घी गया हमारा। अब इसमें जो है हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमको मेल्ट करना है ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना है, आधे कप से कम बस। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी अपनी। थोड़ा सा पानी डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि चीनी नीचे जलने न लगे, इस वजह से थोड़ा सा पानी ज़रूरी होता है। अब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी हमारी और नीचे तले में इसके लगेगी नहीं, जलेगी नहीं। अब चीनी मेल्ट हो जाए फिर इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ये देखिए गाइस, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, बबल बनने लगे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला देंगे, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मिलाइए, वरना ऑप्शनल है। अब इसी में हम मिला देंगे, इसी स्टेज पे जो ड्राई फ्रूट्स हमको डालना है हम यहीं पे डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे गार्निश के लिए, और बाकी हम इसको यहीं पे सब डाल देंगे। देखिए किशमिश हमने एक की दो की थी। अब हम ये देख लेंगे कि हमारी चाशनी, ये देखिए तार बन रहा है इसमें। जब तार बनने लगेगा, ये देखिए थक्का थक्का होकर के, ये देखिए ये त्रिकोणा वाला जो शेप बन के गिर रहा है, इसका मतलब मेरी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे दाल जो हमने भून के रखी है। बस अब हम इसको भून लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसी बर्तन में हम इसको जमा लेंगे। देखिए ये देखिए ये हमारा हलवा भुन रहा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें जो इलायची का पाउडर हमने पीसा था वो डाल देंगे, और यहीं पे हम डालेंगे दो चम्मच फिर घी ऊपर से, मेल्ट किया हुआ घी है, दो चम्मच घी, तीन चम्मच फिर हमने डाल दिया इसमें, और फिर थोड़ी देर भून लेंगे। ये देखिए हमने इसकी ग्रीसिंग कर ली है, अब इसमें हम नारियल का लच्छा डाल देंगे। हमने देखिए इसकी ग्रीसिंग कर दी है और इसमें हमने डाल दिया है नारियल का लच्छा। अब इसको हम ये देखिए गाइस, ये हमने इसको फैला दिया है। अब इसको हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, और जो भी गार्निश का सामान है हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे, और इसको दो तीन घंटे के लिए बिल्कुल इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे में थोड़ा सा जब हल्का ठंडा होएगा फिर इसमें हम कट के निशान लगा देंगे, तो फिर हम आपसे दिखाते हैं दो तीन घंटे के बाद इसको।
बहुत टाइट है।